माँ बीजासन दरबार सद्भावना झांकी समिति द्वारा श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी विशाल जागरण कार्यक्रम में हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। महिलाओं के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। दिनांक 31 मार्च 2018 शनिवार, समय रात्रि 8 बजे से, स्थान बूढ़े बालाजी मंदिर के पास गुना। निवेदक सुनील मालवीय, मित्र मंडल, विधानसभा क्षेत्र गुना। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनेगा हनुमान जयंती महोत्सव। हनुमान टेकरी पर तैयारियों का दौर जारी। 31 मार्च को लगेगा मेला। गुरुवार को आयोजित बैठक में लिए गए कई निर्णय। जिला प्रशासन, नगरपालिका सहित सामाजिक संगठन भी देंगे टेकरी पर अपनी सेवाएं। हनुमान जयंती पर आयोजित टेकरी मेले की पल-पल की गतिविधियां सिर्फ सिटी चैनल पर। सिटी चैनल के 21 नंबर चैनल पर 31 मार्च को दर्शक देख सकेंगे मेले की गतिविधियां। शाम के समय शहनाज अख्तर की भजन संध्या होगी चैनल पर लाइव। शहरी समुदाय की महापंचायत का फैसला तोड़ना पड़ा महंगा। महिला दीगर समाज के युवक को लेकर गई थी इलाज कराने। रुठियाई चौकी पर एक दर्जन से अधिक गांवों के समाज के लोग हुए कार्रवाई की मांग को लेकर इकट्ठे। दोपहर बाद चक्का जाम और पथराव, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, फिर भी समाज के लोग अड़े हैं कार्रवाई की मांग लेकर। पुलिस अधिकारियों का कहना, महिला नहीं कराना चाहती कोई कार्रवाई। कई थानों के बल के साथ एएसपी मौके पर, 25 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। म्याना में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर और पिकअप के बीच हुई भिड़ंत, कोई जनहानि की खबर नहीं, पुलिस ने किया मामला दर्ज। ड्राइवर चोटिल होने पर कराया अस्पताल में भर्ती। आल मुस्लिम जमात की इज्तिमाही शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए खुला कार्यालय। शहर के विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन कार्यालय का गुरुवार को हुआ शुभारंभ। गरीब व वंचित वर्ग के लोग भी करा सकेंगे कार्यालय में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन। महावीर जयंती के मौके पर जैन समाज ने निकाली श्री जी की पालकी यात्रा। मुनि श्री निर्णय सागर एवं पद्म सागर जी महाराज के सानिध्य में नसिया जी में हुए कई कार्यक्रम। पाठशाला के नन्हे बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। 7 साल पुराने स्थायी वारंटी को जंजाली पुलिस ने दबोचा। कई मामलों में वांछित था आरोपी श्री राम मीना। आरोपी को गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश, जहां से उसे भेजा गया जेल। रेलवे के सरकारी आवास में अलसुबह मिली कर्मचारी की सिरकटी हुई लाश। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश पर की गई थी हत्या। हत्या के बाद मृतक के पैर भी काटे। वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद। गोवर्धन जा रहे बाइक सवारों से बंदूक की नोक पर लूट। फतेहगढ़ स्टेट हाईवे पर शिव मंदिर के पास एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी, पर निकल गए बदमाश। मवेशियों को पानी पिलाने के विवाद में आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट। म्याना थाना क्षेत्र के तहत काला पहाड़ गांव में बदमाशों ने की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया जांच में।